नागपुर एक गांव है, उसके बारे में अभी हमने आपको पिछली क्लास में आपको बताया, तो आज हम उसके आगे आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने बताया था पालकपुर एक छोटा सा एक गांव है जो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, वो बाकी कई दूसरे गांव से कनेक्टेड है, बड़े गांव से भी कनेक्टेड है, छोटे गांव से भी कनेक्टेड है। रायगंज जो वहाँ पालकपुर के ही नज़दीक का एक बड़ा गांव है, और शाहगंज जो है पालकपुर गांव का के बगल में छोटा गाँव है। पालकपुर में जो खेती होती है वो अनाज वो रायगंज में ले जाकर के बेचते हैं, साल भर वो अपना खाने के लिए अनाज रख लेते हैं और जो बचता है उसको जाके रायगंज में जाकर के भेजते हैं। पालकपुर में दो प्रकार की खेती ये लोग करते हैं, साल भर में दो खेती ये लोग करते हैं, एक रबी की फसल होती है एक खरीफ की फसल होती है। रबी की फसल में ये लोग अक्टूबर दिसंबर में आप देखिएगा वीट राइस ये होगा और ये सारे फसलों को उगा करके बेचते हैं। ये गन्ने की खेती भी करते हैं, गन्ने से ये गुड़ बनाते हैं जिसको शागन में जाकर के बेचते हैं। पालनपुर गांव में सरकार ने भी कई काम किए हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा की है, यहाँ पे जो पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे जिनके पास पैसे नहीं थे उनके लिए इन्होंने सरकारी विद्यालय प्राइमरी स्कूल खोल रखा है, हॉस्पिटल खोल रखे हैं जहाँ पे इनका मतलब मुफ्त में इलाज किया जाता है। अब हम आपको इसमें आगे बताएंगे क्योंकि पालनपुर का मेन काम खेती करना है, 80% लोग वहाँ पे खेती करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की खेती होती है वो अपना खुद खेत देखते हैं और जिनके पास खेती नहीं होती है वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और ये काम वो शुरू से बचपन से छोटे से करते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं। तो आज टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन, भूमि की उत्पादकता, यानी कि अब किस तरीके से आगे हम भूमि का मतलब जमीन में ऐसी पैदावार करें, खेतों में ऐसा अनाज हो करें कि जिससे ये आगे और भी आगे मतलब पैदावार अच्छी होगी तो मुनाफा अच्छा होगा। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, जो हमारी ज़मीन है वो प्राकृतिक रिसोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, और जब हम किसी भी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। देखभाल करने का मतलब होता है कि जैसे जिस ज़मीन में हम अनाज उगा रहे हैं तो उस ज़मीन में हम कूड़ा वगैरह ना फेंकें, नहीं तो खेती जो है वो ख़राब हो जाती है, उपजाऊ ज़मीन भी हमारी खराब हो जाती है। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स स्पेस। अब इसमें ये बताया है कि साइंटिफिक रिपोर्ट से ये हमको पता चलता है कि जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ तो टेक्नोलॉजी फायदेमंद होती है, ठीक है, जैसे हम ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं जुताई के लिए निराई के लिए जिससे क्या है हमारा काम जल्दी अच्छे से होता है, लेकिन कुछ यूरिया खाद जो है हम ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए डालते हैं वो थोड़ा नुकसानदायक भी होती है, जैसे हम पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ें भी थोड़ा बहुत हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो इसका मतलब है कि कुछ कम क्वान्टिटी में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें पेस्टिसाइड्स वगैरह का, नहीं तो ये हमारे अनाजों को अधिक मात्रा में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे अनाजों को नुकसान भी पहुँचाता है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से फायदा भी पहुँचाती है एक तरफ से नुकसान पहुँचाती है। कहने का मतलब ये अधिकता किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तो वो हमको नुकसान पहुँचाती है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे चारों तरफ हरियाली होती है, गेहूं वगैरह लगता है तो खेत हमारा हरियाली पूरा चारों तरफ हरा हरा नजर आता है तो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। तो साइंस ने ये बताया है कि जरूरत से अधिक मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर हमारे अनाजों पर भी पड़ता है, अनाज हमारे जो
well irrigation has led to the depletion of water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. अब इसमें ये बताया है कि कोई भी जमीन बनने में सालों लग जाते हैं अगर हम उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा अधिक डालेंगे तो क्या होता है कि हमारी जो खेती की मिट्टी है वो खराब होती है, उसको प्रिपेयर करने में कई साल लग जाते हैं। दूसरा जो हम ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर से जो पानी लेते हैं ट्यूबवेल के द्वारा, तो उससे क्या होगा कि जमीन के अंदर की जो नीचे की सतह है उसमें पानी कम होने लगेगा, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर दैट। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एक बार कोई भी चीज खराब हो जाती है, नुकसान हो जाती है पृथ्वी की, जैसे हमारा जमीन खराब हो गई खेती वाली, या पानी अंडरग्राउंड वाटर जो हम ले रहे हैं वो अगर नीचे पानी अगर खत्म हो जाता है तो इससे क्या होता है कि हमारा नुकसान होता है, आगे की खेती के लिए हम उसमें खेती नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये अपनी ज़मीन की सुरक्षा खुद ही करनी है। कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्राकृतिक खाद जो होती है आपने देखा होगा, जैसे गोबर की खाद हो गई, ये सब अगर हम मिट्टी में ज़्यादा डालेंगे तो हमारी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन वही हम फर्टिलाइजर जो हम केमिकल वाली चीज़ अगर खेतों में डालेंगे तो हमारी ज़मीन जो है धीरे धीरे वो खराब होने लगेगी और उस ज़मीन को प्रिपेयर होने में काफ़ी समय लगेगा। दूसरा पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब इसमें ये बताया पालमपुर जो गांव है वहाँ पे ज़मीनों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है, कि मतलब लोगों को अलग अलग प्रकार की ज़मीनों का बंटवारा किया गया है, कितना एरिया किसके पास है, ये सारी चीज़ों को इसमें हम पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। ये अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि खेती हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर खेती में खेती नहीं होगी तो हमको अनाज नहीं मिलेगा, तो इसलिए किसी भी किसान के लिए खेती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज टू इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। हम सभी के पास ज़मीन नहीं होती है, कुछ लोगों के पास ज़मीन होती है खेती करने के लिए और कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है, सभी के पास ज़मीनें नहीं होती। इन पालकपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। पालकपुर में 450 ऐसी फैमिली है जिनके पास जमीन नहीं है, दैट इज 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित। और इसमें 150 फैमिली वो दलित वर्ग की है यानी कि निम्न वर्ग की है, हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। जो दलित वर्ग वहाँ 150 फैमिली वहाँ पे पालनपुर में है वो दलित वर्ग कहलाता है और वहाँ पे किसी के दलित वर्ग के पास जमीन नहीं है इसलिए वो खेती नहीं कर सकते। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन है लेकिन बहुत ज़्यादा जमीन नहीं, छोटे प्लॉट हैं उसमें उतनी ही खेती होती है कि उनके घर का गुजारा बसर हो सके, उसमें इतना अनाज नहीं उग पाता है कि वो उस अनाज को बाहर बेच सके, यानी कि उस खेती में इतना ही निकलता है जिसमें उनके घर का पालन पोषण हो सके। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉल प्लॉट अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। अब इसमें ये बताया है कुछ एरिया ऐसे हैं, कुछ छोटे किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा है, और कुछ ऐसे किसान हैं वहाँ पे जिनके पास जमीन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। जो जिनके पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं
वो उसमें जो खेती करते हैं वो अपने घर भर के लिए उनके होता है, जिनके पास काफ़ी बड़ी ज़मीन है वो खेती जो करते हैं उसमें से जो अनाज उगता है उसको बेचते भी हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो खुद से अपने खेतों पर काम करते हैं, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो मजदूरों से अपने खेतों पर काम करवाते हैं। और मजदूर वर्ग जो होता है वो गांव में ही जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वही वहाँ पे जाकर के मजदूरी करते हैं। हाउ विल प्रोवाइड द लेबर, अब किस तरीके से लेबर की व्यवस्था की जाती है, यानी कि खेतों में काम करने के लिए लेबरों को ढूंढ करके लाना, लेबरों को अपने खेतों में काम करवाना किस तरीके से करते हैं ये पढ़ेंगे हम। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अब क्या है, जब बड़ी जमीन होगी तो हमको अधिक मात्रा में लेबर की जरूरत होगी जिससे खेतों में पैदावार अच्छी हो सके और समय से हो सके। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, खेती करने में बहुत ही मेहनत लगती है। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स, थस दे वर प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। अब जो छोटे किसान हैं वो अपनी खेती खुद करते हैं, अपने परिवार के लोगों से के साथ मिल करके अपनी जमीन पे खेती को शुरू करते हैं, उगाते हैं अनाज। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फॉर्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। जो मीडियम किसान होते हैं यानी बीच के किसान होते हैं और जो काफ़ी बड़े किसान होते हैं जिनकी ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो वो लेबर की खोज करते हैं कि उनके खेतों में लेबर आए और खेतों में काम करें। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। यहाँ पे लेबर वो लेबर होते हैं जिनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं होती है तो वो इन बड़े किसानों के खेतों में जाके काम करते हैं, या वो किसान भी हम कह सकते हैं जिनके पास ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है तो अपने खेतों में काम करने के अलावा वो इनके खेतों में भी जा कर के काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन का छोटा टुकड़ा होता है तो उसमें उतनी अनाज पैदा होती है जिससे घर में सिर्फ खाने पीने तक की सुविधा हो सकती है, लेकिन खाने पीने के अलावा भी बहुत चीज़ों की आवश्यकताएँ होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए ये बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसको अपना घर खर्च करते हैं, घर खर्च में करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, इंस्टेड दे आर पेड वेज ऑफ द फार्मर फॉर होम दे वर्क। वेज कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप, समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो। अब इसमें क्या है, जो किसान जो लेबर दूसरे के खेतों में काम करते हैं या तो उनको पैसे दिए जाते हैं कि पैसे देंगे इतना आप मजदूरी करोगे तो, या फिर उनको भोजन दिया जाता है या फिर खेतों में का थोड़ा अनाज उनको दे दिया जाता है। वेज वेरी वीकली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू एनदर। अब इसमें क्या होता है कि खेतों में काम करने का एक महीना ही होता है, मतलब जब खेतों में बीज लगाना हो तब हमें लेबरों की ज़रूरत होती है, तब वो लेबर वहाँ पे आके काम करते हैं, और जब हमें गेहूँ वगैरह काटना होता है तब किसान वहाँ उन लेबरों को बुलाता है गेहूँ कटवाने के लिए, बाकी सब का काम करवाने के। लेकिन इस बीच क्या होता है कि बीच का जो पोर्शन होता है, बीच के समय जो होता है उसमें ये जो दलित वर्ग के जो लेबर होते हैं या छोटे किसान होते हैं उनका घाटा हो जाता है, क्योंकि उतने वो खाली हो जाते हैं तो उस समय इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। अ फार्म लेबर्स माइट टू बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। ये जो खेतों पे काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको जैसे डेली डेली बेस पे पैसे मिलते हैं, डेली डेली जो काम करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लेबर होते हैं
साल भर एक किसान के खेतों में काम करते हैं और पूरे साल वहाँ पे जैसे खेती से मतलब गेहूँ काटना होता है, पचोड़ना होता है, ये सारा काम वो करते हैं। दादा इज अ लैंडलेस फॉर्म लेबर हु वर्क ऑन डेली बेस इन पालमपुर। पालमपुर में कुछ ऐसे लेबर हैं जो डेली बेस में काम करते हैं, यानी कि डेली वो मजदूरी करते हैं और उसका उनको मतलब सुबह से वो मजदूरी करते हैं और शाम तक उनको पैसा मिलता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। इसका मतलब ये होता है कि अब डेली डेली उनको मजदूरी ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जिस खेत में काम कर रहे हैं तो दूसरे दिन भी वहाँ पर काम करें, क्योंकि उस जगह पर दूसरे मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो यानी डेली डेली बेस पर उनको अपना काम ढूंढना पड़ता है ताकि वो अपना घर का खर्च चला सके। द मिनिमम वेज फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। अब जो डेली वेज में जो काम करते हैं लेबर, उनके लिए सरकार ने ₹300 हर दिन का बनाया है, यानी कि ₹300 उनको मजदूरी दिन भर की मिलेगी। डाला गेट्स ओनली ₹160। लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो उन लोगों को खाली ₹160 मजदूरी देते हैं। मजदूरी 300 बनती है क्योंकि वो सरकार ने तय की है, लेकिन किसान जो होते हैं, बड़े किसान जो होते हैं, कुछ सही नहीं होते, वो 160 में इन मजदूरों से अपना काम खेतों में काम करवा देते हैं। हैविंग कॉम्पिटिशन फॉर वर्क एमंग द फार्मर लेबर्स इन पालमपुर। पालमपुर में लेबरों की संख्या जो दलित वर्ग है थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको मेहनत भी बहुत करती है, क्योंकि आपको मालूम है कि खेतों में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। वो मेहनत ये जो लेबर करते हैं उसके हिसाब से ₹160 बहुत ही कम है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेज। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकनी हु इज अनदर फार्म लेबर। बोथ डाला एंड रामकनी वर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। अब इसमें क्या बताया है कि वहाँ पे बहुत गरीब मजदूर भी हैं जिनके लिए ₹160 कोई मायने नहीं रखता है। ₹160 अगर दिन में मिलता है तो घर का खर्च नहीं होता है, चल पाता है। तो इसमें ये बताया डाला और रामकली दो बहुत ही गरीब